हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम और ये दो क्वेरी भेजा है हमें ऋषिता जी ने, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सिक्स मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मैं लॉजिक सिखा देता हूं। ये समझिए कि दो टर्म्स के सम का पावर 4 है और इधर दो टर्म्स के सब्ट्रैक्ट का पावर 4 है, तो दोनों को इंडिविजुअली खोलना है और सॉल्व करना है। एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ए स्क्वायर है इसे एक्स लेट ले लेता हूँ और ये अंडर रूट के साथ y लेट ले लेता हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा x प्लस y की पावर 4, ठीक है। अब मैं इसको यूज करूंगा बायनोमियल थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं पहले आपको अच्छे से मैं। ये होता है कि x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r की पावर 0 टू n। फॉर्मूला होता है ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। बस इसी फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, जिसमें x मेरा x है और a मेरा y है, n की जगह मेरे पास 4 है, तो डायरेक्ट लगाते हैं। तो ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, ncr फिर x की पावर n माइनस r और a की पावर r, a मतलब जो मेरा y है। ऐसे देखिए ncr और x की पावर n माइनस r और a की पावर r, फिर प्लस, ऐसे प्लस एक यहां भी लगा लें, फिर ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r और लास्ट 4c4, ऐसे ही x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो 4c4 इसको बताया था सॉल्व करके मैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 इज 4 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, ये हो गया x की पावर 4 और प्लस y की पावर 4, y की पावर 0 1 फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस। अब अगला करेंगे 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, x क्यूब y, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर और y स्क्वायर, प्लस। फिर देखिए 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, x और y की पावर 3, प्लस। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 इज 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, x की पावर 0 और y की पावर 4, ये कितना आया देखिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर 4 आ गया, प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब y, प्लस ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 x स्क्वायर और y स्क्वायर, ऐसे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स वाई क्यूब, प्लस ये सब कैंसिल आउट और यहां बचेगा y की पावर 4। अगला स्टेप देखिए, x की पावर 4 ये सब कैंसिल, 4 एक्स क्यूब y, फिर प्लस ये चला गया इससे, ये चला गया इससे, 6 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, प्लस 4 एक्स वाई क्यूब और प्लस y की पावर 4, तो ये मेरे पास एक्सपेंशन आया x प्लस y की पावर 4 का, ठीक है। अब देखो ये x माइनस वाई की पावर 4 है, तो देखिए ध्यान से, तो x माइनस वाई की पावर 4 में अब करना क्या है, ये समझिए कि ये जो x है वो तो x ही है आपके पास, लेकिन जो a है वो माइनस वाई है आपके पास। अब ये समझिए कि जहां जहां आपने y की पावर डाली है, मतलब जहां जहां आपने a की पावर डाली है, अब वो माइनस वाई की पावर हो जाएगा, तो उस हिसाब से डायरेक्टली यहां तक चेक कर लेते हैं। देखिए यहां तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां तो 4 ही आएगा। अब देखिए यहां y की पावर में लिखा है माइनस वाई, तो ये माइनस यहां आ जाएगा आगे, तो ये हो गया माइनस का 4 एक्स क्यूब वाई, लेकिन देखिए यहां माइनस की पावर स्क्वायर आएगा, तो ये सेम ही आंसर होगा लेकिन प्लस साइन के साथ। फिर देखिए यहां y की क्यूब है लेकिन माइनस y की क्यूब हो जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा माइनस का 4 एक्स वाई क्यूब और प्लस का y का 4। हमेशा ध्यान रखिए जब माइनस वाला सीरीज होता है x माइनस y की पावर 4 वाला, तो कैसे आंसर आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आंसर आएगा और प्लस वाले में सारे टर्म प्लस के होंगे। अब हमें दोनों आंसर क्या करना है, ऐड करना है आपस में, तो चलिए दोनों आंसर ऐड करते हैं। तो मैंने इसको लिया इक्वेशन 1, इसको लिया इक्वेशन 2 और लिखा x प्लस वाई की पावर 4 प्लस x माइनस वाई की पावर 4, तो चलिए ऐड करते हैं कितना आएगा, यह आ गया 2x की पावर 4, फिर कैंसिल, फिर आ गया प्लस 12 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, फिर ये कैंसिल और प्लस 2y की पावर 4, ये मेरा फाइनल आंसर।
लेकिन एक दिक्कत है, ये तो मैंने अपने हिसाब से x और y वैल्यू लेट लिया हुआ था, तो चलिए अब जो लेट वाली वैल्यू को इसमें इंसर्ट करते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर आया था 2x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 2y की पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, x में डालूंगा a स्क्वायर और y में डालूंगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए पुट करते हैं, तो 2 अब x किया हुआ a स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस 12 फिर x किया a स्क्वायर होल पावर 2 और जो y का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस की होल पावर 2 प्लस 2 y की पावर 4 y है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर 4। अगला स्टेप देखिए, 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है तो a की पावर 8 प्लस 12 a की पावर 4। अब देखिए यहां रूट और स्क्वायर दोनों तो चला गया वहां से रूट प्लस 2। अब ये दो बार लिखा हुआ है तो समझ लीजिए इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं ये 2 और फिर होल का 2। अब ये वाला 2 तो इसका रूट गायब कर देगा और एक स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है। अगला स्टेप देखिए, तो 2 a की पावर 8 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 a की पावर 6 माइनस 12 a की पावर 4। जब बेस सेम हो और बीच में तो पावर एड हो जाता है फिर प्लस 2 जरा a माइनस b का होल स्क्वायर खोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा फाइनल आंसर, तो 2 a की पावर 8 प्लस 12 a की पावर 6 माइनस 12 a की पावर 4 प्लस 2 a की पावर 4 प्लस 2 और माइनस 4 a स्क्वायर। अब जरा रीअरेंज कर देते हैं सही से, देखिए 2 a की पावर 8 6 पावर वाला कोई और है ही नहीं, 4 पावर वाले ये दोनों हैं, सही से लिख लेते हैं ने? तो माइनस का 10 a की पावर 4 फिर माइनस का 4 a स्क्वायर और फिर प्लस 2। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर जो इस एक्सप्रेशन को 4 टाइम एक्सपेंड करके और एड करके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। अब देखिए इसको एक्सपेंड करना है और पहली 3 टर्म से हमें आंसर निकालना है इसका, तो 0.99 की पावर 5 को लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की होल पावर 5। ध्यान रखिएगा अगर यहां माइनस में मिस्टेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरह से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस a की पावर n तो ये होता है सिग्मा r की पावर 0 टू n, तो ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट याद होना चाहिए, x बिलोंग कर रहा है 1 को और a बिलोंग कर रहा है माइनस का 0.01, n इज इक्वल टू 5। तो चलिए फॉर्मेट पर डालते हैं, तो ncr x की पावर n माइनस r, अब x तो 1 है तो 1 की कोई पावर रखो, 1 ही आएगा तो 1 वाला टर्म लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट डालूंगा a की पावर r फिर प्लस ncr और फिर x की पावर n माइनस r लिखने की जरूरत नहीं है a की पावर r, फिर तीसरा एक्सपेंशन ncr और माइनस 0.01 की पावर 2, क्योंकि उसने हमसे बोला फर्स्ट यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, बस ये 3 ही टर्म आपको एक्सपेंड करनी है आगे एक्सपेंड ही नहीं करनी, ठीक है पहले बोल रखा है उसने। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो 5c0 सॉल्व कर देते हैं, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 1 या 1 ही आएगा, तो देखिए 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 0 इज 5 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल प्लस, अब ये वाला माइनस आगे कर देते हैं माइनस, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इज 4 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल और ये कितना आ गया 0.01। अब माइनस का स्क्वायर माइनस तो नहीं आएगा बाहर, तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल और ये आ गया आपके पास 0.01 इनटू 0.01। अगला स्टेप पूरा कैंसिल आउट हो गया है, तो 1 माइनस अब ये आया देखिए 5 इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 0.01 ऐसे प्लस 5 इनटू 4 इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 2 इनटू 1 और ये आपके पास आएगा 0.00 और 0 और 1, ठीक है भाई 4 से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा ना, ठीक। अब जरा से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये गया तो 1 माइनस 5 इनटू 0.01 फिर प्लस ये इससे कैंसिल तो 5 टू 10 10 को मल्टीप्लाई 0.000 और 1। अब जरा इनटू कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 5 1 से 5 और 2 से पहले 0 लग गया जी प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा तो ये आएगा 0.001, ठीक है भाई पहले 4 से पहले था अब 3 से पहले हो गया
अब जरा इन्हें दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको माइनस कर लेंगे। टोटल फाइनल आंसर मेरा आया तो 1 में से 0 गया 1, फिर 10 में से 5 गया 5 और ये आ गया 9। तो फाइनल आंसर इज 0.951। ध्यान रखिएगा हमें पहले तीन टर्म्स का एक्सपेंशन देना था, तो मेरा फाइनल आंसर आया 0.951। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।